तो दोस्तों ये देख सकते हैं सैमसंग का मॉडल है, और ये देख सकते हैं इसका बैक साइड जो है, और यहाँ पे देख सकते हैं सैमसंग का लोगो है, ये सैमसंग लिखा हुआ ब्रांड कंपनी है, ठीक है। तो ये मॉडल हमारे M01 कोर है, और A01 कोर भी जो भी आपका सारा मॉडल है, इस मेथड से आप इसका जो पासवर्ड है इसका रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोग को यही बताने वाला हूँ कि बिना कंप्यूटर का आप इस पासवर्ड को कैसे तोड़ते हैं। घर बैठे दोस्तों आप इसका पासवर्ड तोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप दुकान जाते हैं तो आपको मार्केट जाते हैं तो आपको वहाँ से 300-400 रुपया चार्ज मांगेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे घर बैठे दोस्तों इस वीडियोस को देख के आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि इसका कैसे सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल को पावर ऑफ कर लेना है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अभी हम पावर ऑफ भी करेंगे तो मेरा मोबाइल पावर ऑफ भी नहीं होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं मेरा फ़ोन भी ऑन ऑफ नहीं होगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, जब आपका फ़ोन ऑफ नहीं होगा तो सबसे पहले आपको देख सकते हैं ये पावर बटन है, वॉल्यूम डाउन की दोनों को एक साथ प्रेस करना है। पावर बटन और वॉल्यूम डाउन की कि दोनों को एक साथ प्रेस करने के बाद तो जैसे ही मोबाइल आपका वाइब्रेट होगा उसके बाद तुरंत वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कर देना है, जो आपका फ़ोन रिसेट मोड में चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वॉल्यूम डाउन और माइनस। और उसके बाद पावर आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद ये देख सकते हैं मेरा फैक्ट्री मोड में आ चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों मेरा जो है रिकवरी मोड में आ चुका है, एंड्रॉयड रिकवरी मोड। तो आपको फिर से नीचे आ जाना है और वाइप फैक्ट्री डाटा रिसेट पे देख सकते हैं, वाइप फैक्ट्री डाटा रिसेट है यहाँ पे देख सकते हैं, वाइप फैक्ट्री डाटा रिसेट है, इस पर पावर बटन को फिर से प्रेस कर देना है। और उसके फिर से एक बार नीचे आ जाना है, फैक्ट्री डाटा रिसेट पर फिर आ जाना है और फिर पावर बटन को प्रेस कर देना है। तो आपका जितना भी डाटा जितना है भैया सारा डिलीट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं रिवॉर्ड सिस्टम नाउ, तो आपको यहाँ रिवॉर्ड सिस्टम नाउ पे क्लिक कर देना है। तो आपका फ़ोन जो है रिबूट हो जाएगा और फिर से वो पावर ऑफ होगा। ये देख सकते हैं M01 कोर है। तो आपको कुछ देर तक वेट कर लेना है, आपको फ़ोन ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि रिसेट होने के बाद वो जितना डेटा है सारा डिलीट हो जाता है, तो ऑन होने में थोड़ा लेट होता है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों ये मेरा फ़ोन ऑन हो चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये एरो का निशान है तीर का, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कर देना, आपको फिर से नीचे आ जाना, नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव ये रीड एग्री टू ऑल अबाउट द, यहाँ पे टिक कर देना है। और टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ देर तक वेट फिर करना है। तो मेरा फ़ोन थोड़ा स्लो चल रहा है और मैं अच्छे से इसको प्रेस करता हूँ। और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं ऐड नेटवर्क, आप ऐड नेटवर्क भी कर सकते हैं और स्किप। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल इसको स्किप कर देता हूँ, मुझे ऐड नेटवर्क पे नहीं क्लिक करना। और यहाँ पे देख सकते हैं चेकिंग फॉर अपडेट, तो आपको कुछ वेट तक आपको वेट करना। और ये देख सकते हैं अभी कॉपी एंड डेटा, तो मुझे डोंट कॉपी भी क्लिक कर देना है। देख सकते हैं स्किप का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और फिर से आपको स्किप कर देना है और फिर कुछ देर तक आपको वेट कर लेना और नीचे चले जाना, फिर एक्सेप्ट कर देना है और उसके बाद फिर स्किप कर देना आपको, फिर स्किप यानी वे। और उसके बाद फिर यहाँ से स्किप कर देना है और उसके बाद यहाँ पर फिर फिनिश कर देना आपको। तो ये देख सकते हैं मेरा फ़ोन जो है ऑन हो चुका है।
ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा सबसे पहले देखने।